नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के बेगूसराय में पहली बार साइबर थाना खुलने के बाद पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना को पटना जिले से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने आरोपी के पास से एटीएम कार्ड और पासबुक बरामद की है। गिरोह ने बेगूसराय में एटीएम कार्ड बदलकर करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। दरअसल बेगूसराय में 2 माह पहले साइबर थाने की शुरुआत की गई थी। साइबर थाने के उद्घाटन के साथ ही इस साल 20 अगस्त को पहला मामला दर्ज हुआ था। जानकारी के मुताबिक पश्चिम चंपारण के रहने वाले कुंदन ठाकुर ट्रैफिक चौक पर यूको बैंक के एटीएम से रुपए निकालने गए थे। इस दौरान धोखे से बदमाशों ने उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। साइबर ठग के रुपए निकालते ही कुंदन ने साइबर थाने में FIR दर्ज करवाई। इसके बाद SP योगेंद्र कुमार ने साइबर विभाग के DSP के नेतृत्व में टीम का गठन किया। इसके बाद टीम ने 2 महीने के तकनीकी जांच के बाद पटना के बख्तियारपुर से मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि SP योगेंद्र कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार मनीष कुमार अपने साथियों के साथ ATM मशीन के पास रहते हैं। इस दौरान जब कोई ग्राहक ATM से रुपए निकालने आता है तो गैंग के लोग धक्का देकर ATM धोखे से बदल लेते हैं और फिर वह मशीन से स्वैप कर राशि निकाल लेता है। गैंग के सदस्य के गिरफ्तारी से साइबर ठगी के मामले में कमी आएगी। वहीं इसके 3 अन्य साथियों की भी पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काम कर रही है।